गुड मॉर्निंग, इस वक्त टाइम आया है 6:25 और मैं रन कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, फजर पढ़ कर ही रन करना चाहिए, इससे सेहत ठीक रहता है। तो फिर आज मैं आपको दिखाऊंगा, आज एक नई जगह पहुँच गया हूँ, ज़नाकदल, खास करके लद्दाखी लोगों के लिए है और ज़नस्कार के और करगिल भाइयों के लिए है। ये जो मार्केट है, ये तांबे का मार्केट है पूरा, जिसमें आपको बर्तन चाहिए, गिलास चाहिए, प्लेट चाहिए, यहाँ पर मिलते हैं, सारी दुकानें हैं। ये जो है, ये मेन ज़नाकदल है, आप देख रहे हैं पूरा मार्केट है, वही आप देख लीजिए। इधर से है आपको मिलेगा, आपको ड्राई फ्रूट इस गली से, और कपड़ा खरीदना होगा, क्लोथ्स कुछ खरीदना होगा, यहाँ पर सारा होलसेल मार्केट है। इस साइड अंदर, इसको बोलते हैं गार्ड कोचा, इस साइड है। और मैं आपको और भी जगह दिखाऊंगा, ये मेन है, चौक है यहाँ पर ज़नाकदल का। आप देख लीजिए जो ये गली है, इसमें भी आपको तांबा मिलेगा, जो ये सब दुकानदार है, इसमें तांबा भी बेचते हैं, कोई किराना भी बेचते हैं, कोई जयनमाज टोपियाँ बेचते हैं। उस साइड जो गली है, यहाँ पर ये सूट वूट बेचते हैं। और आप देख लीजिए ये पूरा जो अंदर है, ये मार्केट, ये तांबे का है, और ये पूरा जो है तांबे का ये दुकान है सारा। आप देख लीजिए पूरा तांबे की दुकान है यहाँ पर, जब भी आना होगा यहीं से आप तांबे खरीदना, क्योंकि यहाँ पर आपको होलसेल मिलेगा रेट। क्योंकि सब मुझे भाई लोग कहते थे लद्दाख के, ये तांबा कहाँ पर मिलता है, क्योंकि आज मैंने आपको दिखाया है तांबा गलियों में मिलता है। जो ये गली है इसमें भी तांबा मिलता है, यहाँ पर अंदर होलसेलर है, जो ये दुकान है सब तांबे की दुकान है। यहाँ पर अच्छे से अच्छे, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ अच्छे से अच्छे बर्तन मिलते हैं। और वो है तहसील वहाँ पर, जो भरचर साहब की अम्मा है वहाँ पर, मैं आपको वहाँ पर भी ले जाऊँगा। इस गली में भी तांबा मिलता है, क्योंकि पूरा जगह ही है तांबे का है। यहाँ पर जो भी चीज़ खरीदना होगा यहाँ पर आपको मिलेगा। ये मॉर्निंग का टाइम है, इस वक्त 6:35 हुए हैं मॉर्निंग में। तो फिर मैं आपको दिन में नहीं दिखा सकता हूँ, मुझे भी अपना 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 सिस्टम होता है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा वॉक होता है अपना ग्रुप का, तो उनसे मुझे जाना है मिलने के लिए मॉर्निंग में। ये देख लीजिए होलसेल बेचते हैं, जो भी लेना होगा, किराना, ये सॉरी इसको कहते रहते हैं, सॉक्स लेते हैं, टोपियाँ लेते हैं, जयनमाज लेते हैं, वो सब ये दुकानदार है। ये इसका इधर से है रास्ता आपको मिलेगा, जो यहाँ पर ये मार्केट है, ये असरगंज इधर से जा रहा है ये रोड। तो आप देख लीजिए ये मार्केट है यहाँ पर, यहाँ पर भी तांबा ही बेचते हैं सारे। ये दो दुकान है इधर से, ये जो है ये बेचते हैं होलसेल टोपियाँ, जयनमाज, अदरवाइज बहुत सारे आइटम बेचते हैं। ये लड़की का जो सामान मेकअप का होता है, इन दुकानों में मिलता है। तो फिर मैं आपको जो इस साइड भी दुकानें हैं, ये सारी ये रस्सी बेचते हैं, जैसे रस्सियाँ बेचते हैं, और शीट बेचते हैं, खिलौने झुनझुना बेचते हैं ये लोग इस साइड, जो ये दुकानें हैं, और कप प्लेट बेचते हैं इस साइड, और ये और जो इलेक्ट्रिक सामान है उस दुकान में मिलता है। जो ये सारी दुकानें इस साइड जो है, ये तांबे की सारी दुकान है, क्योंकि मैं वहाँ पर था और मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ, और मैं आपको दिखा रहा हूँ अंदर जाकर आपको। ये जो जगह है, ये बादशाह साहब की अम्मा है, वालदा है यहाँ पर, इसमें जो तदफीन है उसका है। और वहाँ पर जो है बादशाह साहब खुद है, जो वहाँ पर वो दीवार लगा हुआ है, वहाँ बादशाह साहब की जो फैमिली है उस साइड है। ये है खुद बादशाह साहब की अम्मा, जो वहाँ पर उस वक्त का हाजी दुलतिया साहब था, गवर्नर, जो पेड़ दिखाई देता है वहाँ पर है उसका तदफीन। और जो यहाँ पर अदरवाइज लोकल यहाँ के हैं, और इसमें जो कम से कम 650 साल जो यहाँ पर जो निकल गए, जो इसके साथ बादशाह साहब के साथ थे उस वक्त के जो खादिम थे, उनके खादिम थे, वो भी यहाँ पर तदफीन है उनका। तो फिर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और मुझे भी दुआओं में याद करना, मैं भी अल्लाह ताला उम्मती कश्मीर को खुश रखे, और मुझे ऐसे ही मौका मिले आप लोगों को सुबह मॉर्निंग में दिखाने का, आपको मेरे तौफीक दे, और मेरे उम्मती मुस्लिम जो कश्मीर के भाई हैं उनको खुश रखे। मैं आपको अब ले जाऊंगा एसआरगंज, वो भी मैं आपको मार्केट दिखाऊंगा, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, क्योंकि इंसान को दिल खुश होता है मॉर्निंग में। अच्छा लेटेस्ट जगह कौन सा है वो मैं दिखा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने 2-4 दफ़ा ये डाला है, लेट्स सी कश्मीर यूट्यूब चैनल है मेरा, उसमें मैंने ये डाला है। तो फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस साइड कहते हैं एसआरगंज, जो पुराने नोट, फटे हुए नोट यहाँ पर मिलते हैं, उनको चेंज एक्सचेंज करना होता है, यहाँ पर करते हैं। और जो इधर से ये थोड़ा बहुत एक दो दुकान है ड्राई फ्रूट के, बाकी जो यहाँ पर
दूल्हे के लिए माला लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, वो यहाँ पर इन दुकानों में मिलता है। जो ये छोटे छोटे जो शर्ट जैसे बने हुए यहाँ पर मिलता है, माला मिलता है, और नोट्स पुराने हो गए फटे हुए वो यहाँ पर ये लोग चेंज करते हैं। जो ये सारे दुकानें हैं यहाँ से, ये ड्राई फ्रूट की दुकानें हैं पूरा, ये जो असारगंज के साइड से पूरे ड्राई फ्रूट की दुकानें हैं। इधर से आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये असारगंज साइड से है। अब मैं वो आपको ले जा रहा हूँ, ये जो जगह है यहाँ पर सारा ड्राई फ्रूट मिलता है आपको होल सेल में। ये जो इधर से दुकानें हैं सारे ड्राई फ्रूट, और जो भी सामान लेना होगा इस साइड से है। ये मॉर्निंग में आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि दिन में बहुत रश होता है। आप देख लीजिए, ओल्ड मकान है, आप देख लीजिए पूरा कितना खूबसूरती है। यहाँ अल्लाह ने नवाजा अपनी कश्मीर को, और आप सबको भी अल्लाह ताला खुश रखे। मैं आपको मॉर्निंग में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए पूरा, ये देख लीजिए आप। इधर से आपको मिलेगा जो क्लोथस होते हैं, नया क्लोथस वो यहाँ पर मिलते हैं आपको, थान के हिसाब से मिलता है। ये इस साइड की वो दुकानें हैं सारे, आप देख लीजिए होल सेल में है ये सारे। और मैं आपको एक चीज़ भी दिखाऊंगा, इसमें एसआरगंज में एक गुरुद्वारा है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा जो दूर दूर के हैं, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो इस साइड है ये पूरा गुरुद्वारा का बिल्डिंग है, अंदर इसका गुरुद्वारा ही, आप देख लीजिए। ये जो गेट है ये गुरुद्वारा का है, आप देख लीजिए मार्केट है सुबह का, आप देख लीजिए मॉर्निंग में ही। ये भी यहाँ पर जो क्लोथ से यहाँ पर बेचते हैं होल सेल में, इस साइड जो पूरा है आप देख लीजिए, ये पूरा कोल ये क्लोथ्स है, कपड़ा है, यहाँ पर मिलते हैं इन दुकानों में। जब भी आना होगा है यहाँ पर आइए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ कितना खूबसूरत जगह है ये। क्योंकि जो ये कपड़ा बेचते हैं ये पूरा जो श्रीनगर में सप्लाई होता है यहाँ से ही होता है पूरा कपड़ा, जो क्लोथ्स होता है यहाँ पर पूरा श्रीनगर। क्योंकि जो बड़े बड़े दिग्गज व्यापारी लोग हुए वो यही से खरीदते हैं, क्योंकि ये हाट है पुराना, जो पहला लाल चौक था कश्मीर का यही एसआरगंज था, और जनकद एसआरगंज एक ही है, तो फिर यहाँ पर मिलता था। आप देख लीजिए कितना खूबसूरत मार्केट है ये, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बैंक भी है, जेएनके का बैंक, और आपको एचडीएफसी का भी बाहर से भी मिलेगा बैंक, स्टेट बैंक भी यहाँ से है। आप देख लीजिए पूरा मार्केट यहाँ पर, यहाँ पर भी बेचते हैं, इस साइड बेचते हैं, इस साइड भी बेचते हैं ड्राई फ्रूट। मैं आपको पुराना सिटी दिखा रहा हूँ आज, आप देख लीजिए कितना पुराना है ये। इधर से रास्ता है दरियाव का, और आप देख लीजिए कितना पुराना जगह है ये जो घर है, इधर से कम से कम 200 साल 300 साल 250 साल पुराने हैं, आप देख लीजिए ओल्ड सिटी है ये। और इधर से ये नानवाई का दुकान है ये। चले, जब फजर पड़ते थे फिर ये लोग ऐसे ही अमूमन डालते थे इन जानवरों को रोटियाँ, जो एक डॉग्स है इनको रोटियाँ डालते थे, इसको भी अल्लाह ताला खुश रखे। इधर से मैं वापस पहुँचा हूँ इस साइड से मॉर्निंग में, आप देख लीजिए ये मॉर्निंग का जो टाइम है यहाँ पर है, आप देख लीजिए इस साइड पूरा ये मेन हार्ट था, ये भी अली कदम जहाँ मुशी साहब का तदफीन हुआ है वो यहाँ इसके अंदर है। मैं इसके अंदर भी आपको ले जाऊँगा। ये जो गेट है मैंने खोला, इसका जो अंदर का जो दरवाज़ा है ये भी मैं खोलूँगा, तो फिर मैं आपको अंदर ले जा रहा हूँ मुशी साहब के जहाँ तदफीन है वहाँ पर। ये है यहाँ पर अंदर मुशी साहब का जहाँ पर तदफीन है। अस्सलाम वालेकुम या कबूर, ये देख लीजिए यहाँ पर फजर पढ़ कर ही यहाँ पर आते हैं, अपनी कुरान शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला को यहाँ पर याद करते हैं सुबह मॉर्निंग में, और इनकी बदौलत से हमारा ज़िंदगी का कारवां चल रहा है। ये देख लीजिए मॉर्निंग में है ये वशी साहब जहाँ यहाँ पर है अंदर, खुद वशी साहब है यहाँ पर अंदर जो है मंजर, आप देख लीजिए ये है। अस्सलाम वालेकुम भैया खबूर, ये देख लीजिए वशी साहब यहाँ पर खुद है, तदफीन है यहाँ उसका। देख लीजिए मार्ग में आपको ऐसे ही जगह में दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। आप भी खुश रहे और आबाद रहे, आप सबको इसी बुज़ुर्ग के साथ के अल्लाह ताला को खुश रखे, और मुझे भी आपको भी, लव यू।